नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से सही ढंग से कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, उसके बाद आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बता दूँ कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है एक खजाना खोल दिया है, यानी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। तो कितना महंगाई बढ़ाया है उसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और नेक्स्ट बता दूं कि म्यांमार में इन दिनों काफ़ी स्थिति खराब हो गई है। सैन्य तत्पलट के बाद कोरोना मरीजों की स्थिति जो है बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। और एक और एक पड़ताल सामने आई है जिसमें CBSE 10वीं का रिजल्ट सामने रिजल्ट आने के लिए जो है स्कूलों ने अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए छात्रों को अधिकतम अंक जो है दे डाले हैं। इसके लिए बोर्ड ने जो है CBSE ने कहा है कि दोबारा अंक अपलोड करो और उसके लिए जो है यदि 96% से ज़्यादा अंक दिए जाए जा रहे हैं स्टूडेंटों को तो उनकी समीक्षा की जाए। और चलिए बता दूं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जो है राज्यसभा के नेता यानी डिप्टी लीडर बनाया गया है। तो चलिए ये थी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो चलिए इसी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नहीं हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि और कैंसिल नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने ये देखना शुरू किया है हमारा यूट्यूब चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स। चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब और क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स इस पर टॉपिक पर जो है डिस्कस की जाती है। उसके बाद आप सभी को पता है कि थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है उन सभी को एक एनर्जी देती है, एनर्जेटिक बनाती है ये लाइनें जिससे हम सभी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद ज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आज का शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1926 में अफगान चर्च से क्रॉफर्ड मार्केट के बीच मुंबई में पहली बार बस सेवा शुरू हुई थी। टैक्सी ड्राइवरों ने इसका भारी विरोध किया था, हालांकि लोगों को यह पहले काफ़ी पसंद आई और उस साल करीब 6 लाख लोगों ने बस यात्रा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1916 में अमेरिका के विलियम बोइंग ने वाशिंगटन में एयरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना की थी। वह मुख्य रूप से कमर्शियल प्लेन, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल और सैटेलाइट बनाती है। तकनीकी दक्षता के दम पर इसने विमान निर्माण को नई ऊंचाई दी है। आज ही के दिन वर्ष 1903 में आज़ाद भारत के पहले किंग मेकर कहे जाने वाले कुमार स्वामी कामराज का जन्म तमिलनाडु के विरुद्धनगर में हुआ था। 16 साल की उम्र में कांग्रेस में शामिल होने के वाले के कामराज पिछली सदी के 6वें शतक में कांग्रेस पार्टी में सुधार के लिए कामराज योजना लाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद CM पद भी छोड़ दिया इसके लिए और कई मंत्रियों को भी जो है उनको त्याग करना पड़ा। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में जो है अपनी बड़ी भूमिका भी निभाई थी। ये था आज का इतिहास। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। अल्कोहल का सेवन अलग अलग तरह के कैंसर की वजह बन रहा है, या निष्कर्ष विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के अध्ययन से निकला है। साइंस जनरल लेसेंट के ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक दुनिया में 2020 में सामने आए कुल कैंसर के मामलों में से 7,41,300 यानी 4% को कैंसर अल्कोहल के कारण हुआ है, यानी 25 में से एक व्यक्ति को कैंसर शराब के कारण हुआ। अल्कोहल से जुड़े इस शोध में यह भी पाया गया कि इनमें अधिकांश मामले लीवर, ऑस्फेगस और ब्रेस्ट कैंसर थे। वैज्ञानिकों ने 200 से ज़्यादा देशों में शराब की बिक्री और यहाँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से अल्कोहल की बिक्री के आंकड़ों को अल्कोहल की खपत और अन्य आंकड़ों को 2020 में कैंसर की घटनाओं के साथ जोड़ा गया। इस सूची में ब्रिटेन 38वां स्थान पर है, मंगोलिया प्रथम, अमेरिका के मामले में जो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन था, यहाँ 3% मामले आए थे। तो ये था स्पेशल रिपोर्ट जो कि अध्ययन से निकला था, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह अल्कोहल जो है लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। फिर भी लोग जो है कतार में लाइन में लग करके, आप देखोगे कि TV में देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो है काफ़ी कीमत होने के बावजूद भी लोग जो है लाइन में लग करके ये ले रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बना हुआ है देश के लिए, विश्व के लिए।
चलिए आगे जानते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे बातें करते हैं कि अरे यार तुम्हें ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये बन जाऊँगा। अरे भैया जमीनी है, जमीन पर चल के तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रोटियाँ बेलनी पड़ती, कितनी पेपर पापड़ सेकने पड़ते हैं। यानी आपको अपनी मेहनत जो है खुद पर करनी होगी, दूसरे की बातों पर नहीं चलना होगा। अपनी मेहनत अपने सपने को जो है पंख देने के लिए आपको जमीनी स्तर पर यानी प्रत्येक दिन मेहनत करनी होगी, तभी संभव हो सकेगा कि आप जो है एक सफल व्यक्ति बन पाओगे, एक सफल जॉब होल्डर बन पाओगे। बहुत ही सुपर लाइन थी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं फटाफट पेन पेंसिल पेपर लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके और कल का सेशन को लिंक का मैं शेयर कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल की ओर से बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के उपनेता बने हैं यानी डिप्टी लीडर बन गए हैं। वे हाल ही में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे। गोयल अभी उस सदन में उपनेता थे। नेक्स्ट बता दूँ, म्यांमार में सेंटक टपलेट के बाद अस्पतालों में के बंद और टीकाकरण अभियान रुकने से ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट बढ़ गया है, तो बड़ी समस्या हो गई है, काफ़ी लोग परेशान हैं। भारत के एक समय में स्थिति इसी तरह हो गई थी, लेकिन भारत ने सुधार कर लिया है, लेकिन म्यांमार की स्थिति बहुत ही ख़राब है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बार बार अपील की जा रही है कि म्यांमार में जो सेंटक टपलेट हुआ उसको ख़त्म किया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से फिर से चुनाव हो करके वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित की जाए और वहाँ के लोगों को जो भी समस्याएं हो रही है कोरोना से जुड़ी हुई उसको हल करने की कोशिश की जाए। लगातार लोग जो है इससे पीड़ित हैं, काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग म्यांमार में। तो सभी देश जो है चुपचाप बैठे हुए, कोई उनको देखभाल नहीं कर रहा है, ना ही ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। सेम तख्ता प्लट होने के बाद वहाँ की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय मूल के जस्टिन नारायण ने ऑस्ट्रेलिया में मास्टर शेफ के 13वें सीजन का खिताब जीता है, तो ये खिताब में उनको जो है 1,86,00,000 रुपये मिले हैं। प्रिजन गार्ड शशि चेलिया पहले भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 2018 में यह खिताब जीता था। ये भारतीय मूल के हैं जस्टिन नारायण, 13वें सीजन के ये खिताब उन्होंने जो जीता है ऑस्ट्रेलिया के मास्टर शेफ का खिताब। ने चलते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 28% कर दिया है। तो बता दें कि यह बहुत ही मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा 17% की दर से और 11% ज़्यादा है। इसके लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 65,26,000 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीए और डीआर बढ़ाने से खजाना पर जो 34,401 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र ने डीए और डीआर की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी थी। ये किस्त पिछले साल 1 जनवरी, 1 जुलाई और 1 जनवरी से दी थी, इसको भी जो है शुरू कर दिया जाएगा। एक अच्छी खबर जो है देखने को मिली कर्मचारियों के लिए, पेंशनभोगियों के लिए। नेक्स्ट बता दूँ, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा नियामक ने फ्रांसीसी प्रकाशकों के साथ विवाद में गूगल पर जो है 4,400 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 2 महीने के अंदर भुगतान करने के तौर तरीकों को जो है के बारे में प्रस्ताव पेश नहीं करने पर जो है द्वारा गूगल फ्रांस ने चेतावनी दी है कि $10,00,000 प्रत्येक दिन जो है जुर्माना लगाया जाएगा। एक बहुत बड़ी राशि जो है गूगल पर लगाई गई है और गूगल जो है इस तरह से चिंतित है। लेकिन इसमें साफ तौर पर कहा गया कि स्थानीय स्तर पर जो भी प्रकाशक हैं उनको जो है वे लोग चाहते हैं कि गूगल जो है उनके समाचार के लिए भुगतान करे। इसी के साथ जो है विवाद बढ़ा है। नेक्स्ट बता दूँ, पाकिस्तानी हैकरों ने इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक को हैक किया है। इसमें कई पाकिस्तानी नारे भी लिखे हैं। कि आप देख सकते हो वहाँ की एक पाकिस्तान की एक हैकर ने जो है ये अपनी बातें भी लिखी है और कहा है कि फ्री कश्मीर
जैसी बातें लिखी है जो कि चिंताजनक है, लेकिन लगातार वहाँ के डीजीपी, डीआईजी, आईजी जो है इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और एक्सपर्ट की सलाह ली जा रही है और पेज को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय सेना ने असम राइफल्स की महिला जवानों की तैनाती कश्मीर में की है, तो ये मध्य कश्मीर के गोदरबल जिले में हुआ है। ड्रग्स को लेकर घर घर की तलाशी और मोटर व्हीकल चेक पॉइंट में जो है इन महिलाओं को, असम राइफल्स की महिलाओं को जो है तैनात किया गया है, जिससे जो है बड़े पैमाने पे जो है इस तरह के ड्रग्स माफियाओं और मोटर व्हीकल के साथ द्वारा जो गैरकानूनी काम करते हैं उनको रोका या कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे कि देश की पहली कोरोना मरीज एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है, जो कि चिंताजनक बनी हुई है। तो बता दूँ कि त्रिशूर के डीएमओ के जे रीना के द्वारा ये बातें की गई है कि जो महिला है वो पढ़ाई के लिए द्वारा जो है दिल्ली जा रही थी, उसका द्वारा जांच की गई तो आरटीपीसीआर में उनको कोरोना जांच निकला है पॉजिटिव। पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी और फिर ठीक हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा वो जो है कोरोना से पीड़ित हैं। तो चलिए आखिरी दो सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी दो सवाल की बात करूं तो मैं देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल डिजिटल विज्ञान नवोन्मेष एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पर जो है शुरू हुई है। इसमें कहा जाए तो 30 सीटों के लिए 500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर पाकिस्तान के मुल्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला स्कूल खोला गया है, जिसमें पहले दिन जो है काफ़ी 18 से 20 ट्रांसजेंडरों का नामांकन करवाया गया है। वहाँ पर ट्रांसजेंडर शिक्षकों के द्वारा जो है क्लास लिया जा रहा है। तो पहली बार पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्कूल खोला गया है। ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को, जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से जो है आपको लगातार एवरीडे 5 मोस्ट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 1000 से अधिक 1100 के आसपास सवालों का जो है एक संग्रह आपको दिया जा चुका है। यदि आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे क्लास से जुड़ सकते हो। यहाँ पे यूजीसी के साथ साथ करंट अफेयर्स और एसएससी और साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और भी पीडीएफ पोस्ट में। तो बता दूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुओं में शामिल नहीं है। एंटीबायोटिक के रूप में एंजियोथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है ये दवा की उपयोग की जाती है। नेक्स्ट बता दूँ कि जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु का निदान में डायटम महत्वपूर्ण है। एक ऐसा एंजाइम जो रक्त के थक्के होने पर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने में अपनी भूमिका निभाता है। और कवक में कैसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, तो ये बता दूँ कि कवक जो है विषमपोषी है, यानी वो समपोषी नहीं है, यानी वो दूसरे से जो है वो खुद भोजन नहीं बनाता है, दूसरे की सहायता लेता है भोजन बनाने में। तो चलिए ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज मैं आपको एक रिपोर्ट बताने वाला हूँ जो कि डेटा मानदंडों का पालन ना करने से जो है मास्टर कार्ड के नए ग्राहक जोड़ने पर जो है रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ने जो है 22 जुलाई से अपने नेटवर्क पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। डेटा स्टोरेज संबंधी निर्देश नहीं मानने पर इस ग्लोबल पेमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई की है। दूसरी ओर बात की जाए तो हॉलमार्क जो कि सोने में होती है, तो 22 कैरेट 24 कैरेट जिसमें 22 कैरेट में जो है सोने में कहा जाए तो छोटे ज्वेलरी आइटम की संख्या अधिक होने से हॉलमार्किंग सेंटर्स को इनका ब्यौरा रखने में परेशानी हो रही है। हॉलमार्क के लिए ज्वेलरी भेजने का सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। छोटे मंझोले ज्वेलर्स इसमें निपुण नहीं है। छोटे मंझोले ज्वेलर्स को कंप्यूटर सिस्टम और एक्सपर्ट डेडिकेटेड स्टाफ रखना होगा, इसका खर्च बढ़ेगा।
सेंटर्स जल्द बढ़ाने की जरूरत है, ये बातें जो है अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा कही गई है। और बता दें कि भोपाल सराफा महासंघ के सचिव जो है नवीनतम अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट को सपोर्ट वाला नियम चाहिए। सेंटर्स को निर्देश है कि कम से कम 40 आइटम वाली पर ही हॉलमार्क दिया जाए, जबकि जौहरी ऑर्डर पर गहने बनाते हैं या कॉरपोरेट को सपोर्ट करने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। अगर तो इसी के साथ क्लास की सामग्री घोषणा की जाती है तो नेक्स्ट क्लास तक मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो आप एक और जरूर ट्राई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि और कैंसर नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुँच सके। और बता दूँ कि एवरीडे 8 PM यूसी नेट कॉमर्स पे बटन की क्लास की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है, बेसिक से बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाए जाते हैं। तो आप सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी क्लास से आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो ये यूट्यूब में होती है 11:30 बजे, टॉप 10 डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लासेज होती है। उसके बाद 8 PM एट नाइट को यूसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लास करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।